अमरनाथ आतंकी हमला, क्या सलीम नायक नहीं खलनायक है? 10 जुलाई की रात 8:20 पर एक हमला हुआ। यह आतंकी हमला अमरनाथ यात्रा से लौट रहे यात्रियों की एक बस पर हुआ। देश दहशत में था, लेकिन तभी एक चेहरा सामने आया। वो चेहरा था बस ड्राइवर सलीम का, जिसने हमले के वक्त अपनी बहादुरी सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई थी। देश ने सलीम को हीरो बना दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर सलीम को नायक नहीं खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है। बस ड्राइवर सलीम पर पूरे तथ्यों के साथ इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप गंभीर है, इसीलिए वायरल सच आज आपको बताएगा कि सलीम अमरनाथ हमले के नायक हैं या फिर खलनायक। वो अंदर आने की ट्राई की थी, लेकिन वो कंडक्टर जो लिफ्ट में बैठा था ना, कंडक्टर ने लात मार के दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा। तो उसको चढ़ने ही नहीं दिया, तो ये ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से ही हम यहाँ हैं। बस में सवार यात्री सुधीर के लिए ड्राइवर सलीम उनके नायक हैं, तो फिर सोशल मीडिया के लिए वो खलनायक क्यों है? सलीम भाई एक ऐसा आदमी है, हिंदू मुस्लिम सबको भाई भाई मान के चलने वाले, एकता का प्रतीक है। उसने 50 आदमी का जान बचाया है, उसका जान खतरे में था, फिर भी जिस सलीम को हिंदू मुसलमान की एकता का चेहरा बताया जा रहा है, वो सलीम फेसबुक पर फिल्म क्यों बना? खुद में होकर लोगों की जान बचाया, जात पात का नहीं करा, वो पकड़ बन लड़ के। जिस सलीम ने जाति और धर्म को पीछे छोड़ दिया था, उस सलीम पर अब आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? उनकी वीरता का हम प्रशंसा करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वीरता पुरस्कार उनको प्रदान करे, इसकी हम रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात करेगी। सलीम की बहादुरी के लिए पुरस्कार तक का ऐलान हो गया है, तो फिर ऐसा क्या है जो फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में सलीम का तिरस्कार किया जा रहा है? आप सोच रहे होंगे कि जब हर किसी की जुबान पर सलीम के लिए तारीफ है, हर कोई सलीम की वाहवाही कर रहा है, तो फिर ये नायक और खलनायक वाली बहस क्यों? सलीम को आज अग्नि परीक्षा से इसलिए गुजरना पड़ रहा है क्योंकि सलीम के ऊपर आतंकी हमले में शामिल होने का सोशल मीडिया में आरोप लगाया जा रहा है। जहां एक और दुनिया सलीम को हीरो मान रही है, वहीं सोशल मीडिया में सलीम को बतौर विलन पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें सलीम के ऊपर 3 गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वो भी कई ऐसे तथ्यों के साथ कि कुछ लोग इस मैसेज पर यकीन भी कर रहे हैं। पहले आप देखिए कि सलीम पर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप नंबर 1, पंचर बनाने में 2 घंटे लगवाए ताकि आतंकवादी घात लगाकर हमला कर सके। आरोप नंबर 2, 7 बजे के बाद जानबूझकर सलीम बिना सुरक्षा के बस को लेकर गया ताकि आतंकी हमला करें और उसके बाद भागने में कामयाब हो सके। आरोप नंबर 3, आतंकियों को पहले से पता था कि बस ड्राइवर कौन है, इसलिए सामने से गोली चलाने के बाद भी एक भी गोली सलीम को नहीं लगी। लेकिन सच क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि सलीम देश का हीरो है या फिर सोशल मीडिया का खलनायक? सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे हर आरोप की हम पड़ताल करेंगे, इसलिए भी क्योंकि सलीम का सच देश को पता चलना ही चाहिए, और इसलिए भी ताकि धर्म से अलग सच्चाई क्या है ये भी सामने आ सके। 10 जुलाई को सोमवार के दिन रात 8:20 पर अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ था। जानकारी के मुताबिक बस का टायर पंक्चर होने की वजह से हमले वाली बस बाकी बसों से अलग हो गई थी और हमले के वक्त अनंतनाग के बटेंगू से गुजर रही थी। अब चलिए पहले आरोप और उसके सच की तरफ। पहले आरोप का सच, आरोप ये है कि पंचर बनाने में जानबूझकर 2 घंटे लगाए ताकि बस अलग थलग हो जाए और आतंकियों को हमले का मौका मिले। इस आरोप को मजबूती देने के लिए
हमले की शिकार बस में बैठी महिला के बयान को आधार बनाया जा रहा है। पहले आप उस महिला का बयान सुनिए। श्रीनगर से निकले थे ना, तब 7 बजे सब कुछ धमाल होती थी पहले से ही, तो उसने हमारी गाड़ी में पंचर पड़ा, तो उसने बोला 5 बजे पंचर पूरा हो गया था, तो उसने बोला नहीं नहीं अभी देरी है, दूसरा भी पंचर निकालने का है बराबर, ऐसा करके 7 बजा दिया और अंधेरा हो गया। इस बयान को सुनने के बाद कुछ चीजें साफ होती हैं। एक, सोशल मीडिया में एक पंचर की बात हो रही है, जबकि बस के टायर में एक से ज्यादा पंचर की बात सामने आई। इस बात की गवाही ड्राइवर सलीम भी देता है। में आपको कितना समय लगा, कहाँ पे बना? लग गया, 2 पंचर निकला, 3 घंटा लग गया हमारे को। आप कहेंगे कि सलीम तो संदेह के घेरे में है, उसकी बात पर भरोसा क्यों किया जाए? तो हमने पंचर बनाने में कितना वक्त लगता है इसकी जांच स्वतंत्र जगह से की। हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला बड़ी गाड़ियों का पंचर बनाने वाले से मिले और पूछा कि बस के टायर का पंचर बनाने में कितना वक्त लगता है। तो कितना वक्त लगता है? वो टायर जो भी गाड़ी से हेल्पर खोल के देगा तो 1.5 घंटा से 2 घंटा लग सकता है, टायर के ऊपर निर्भर है। जैसे इसमें अभी लग गया 2 घंटा या 4 घंटा भी लग सकता है टायर के ऊपर, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्या कभी ये भी मुमकिन है कि 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है पंचर लगाने में? 2 पंचर होगा अगर टायर में, दो पंचर हो गए तो 2 घंटा के 4 घंटा लग सकता है। वैसे क्या होती है अगर क्या होती है कोई कोई टायर इतना जाम रहता है, खुलते खुलते 2-2 घंटा लग जाता है। सुना आपने, इस शख्स का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है, पर इसके मुताबिक पंचर बनाने में 2 से 4 घंटे का समय लग सकता है। ऐसे में हमारी पड़ताल में ये बात साफ होती है कि सलीम पर जानबूझकर पंचर बनवाने में देरी करने का आरोप गलत है। दूसरे आरोप का सच, वायरल मैसेज में बस के ड्राइवर सलीम को खलनायक बताने वाला दूसरा गंभीर आरोप ये है कि आतंकियों ने सामने से गोली चलाई लेकिन सलीम को एक भी गोली क्यों नहीं लगी। इस आरोप का सच पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने उस बस की तस्वीरें निकाली जिस पर आतंकियों ने हमला किया था। ओम ट्रेवल्स की इस बस में सामने की तरफ बस पर गोलियों के निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बस में दाहिनी तरफ गोलियों के निशान साफ थे। बस के सामने का शीशा जरूर टूटा था, लेकिन बस का शीशा दाहिनी तरफ से चली गोलियों से टूट सकता है। और ये हम सिर्फ अंदाजे पर नहीं कह रहे हैं, बस पर सामने से गोली नहीं चली, दाहिनी तरफ से चली। इस बात की गवाही देने वाले कई चेहरे हमारे पास मौजूद हैं। मैं गाड़ी चला रहा था और राइट साइड से हमला किया उन लोगों ने, अंधाधुंध गोलियां चलाई, ऐसा है। मैं रोक नहीं पाया, मैं सीधा चलते रहा जब तक मिलिट्री कैंप नहीं आए। साइड से गोलियां चली, कांचों पे गड़ी, बॉडी पे चली, सब अंदर जो थे सबको लगी, जो राइट साइड में खड़े थे बैठे थे उनको सबको गोली लगी और 19 लोग भी घायल हो गए और 7 लोग का डेड हो गया। राइट साइड में मैं 3rd row पे बैठा था, तो ये फर्स्ट सेकंड वो सबका ग्लास टूटा है, 4/5 सबका टूटा है और मेरा टीम आगे वाले और पीछे वाले मर गए। जो हम बैठे हैं, मेरी बेटी विंडो पे बैठी थी, तो हमको कुछ नहीं। मैं केबिन में बैठा था, पहली गोली ड्राइवर को मारी लेकिन मेरे लड़के ने उसको नीचे कर दिया, तो मेरे लड़के को गोली लग गई और मैं बच गया। शायद कुछ लोग इस पूरी कहानी को हिंदू बनाम मुसलमान बनाकर पेश कर रहे हैं। उनके गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी कि एक मुसलमान ने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से 45 हिंदू यात्रियों की जान बचाई। लेकिन इस कहानी पर सच और झूठ की मोहर लगाने से पहले हम आपको सलीम की छोटी सी बात सुनाना चाहते हैं, जो देश के साथ साथ धर्म की राजनीति करने वालों को जरूर सुननी चाहिए। मिलिट्री वालों ने हमको आश्वासन दिया है कि हम उनको मारेंगे जरूर, हम छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन मारेंगे उस दिन सामने से आपको बताएंगे, कॉल करेंगे, हमारा नंबर लिया है। हम भी वही गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गुड न्यूज मिले, कब वो मरे। यही सही श्रद्धांजलि होगी जो गुजर गए, जब बस वही सबसे बड़ी चीज वही होगी, जब वो मरेंगे ना
तब दिल से दिल को तसल्ली होगी और खाना जाएगा पेट में। सलीम अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के नायक हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बाकी यात्रियों की जान बचाई। इस दावे को बल जम्मू कश्मीर और गुजरात की सरकार भी देती है, जिसने कभी भी कहीं भी सलीम के दावों पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, बल्कि जम्मू कश्मीर और गुजरात की सरकार ने सलीम को इनाम देने की बात कही है। इसलिए हमारी पड़ताल में सलीम को खलनायक बताने वाला वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।